अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है असीब शफकत और आप देख रहे हैं हसी टीवी। सूरा अन-निसा आयत 119 के अंदर बयान होता है कि शैतान ने जब आदम अलैहिस्सलाम से हसद की वजह से इन्हें सजदा करने से इनकार किया तो अल्लाह की बारगाह के अंदर वो जलील होकर वहां से निकाल दिया गया और जाते जाते इसने अल्लाह को ये चैलेंज किया कि मेरा वादा है कि मैं इस इंसानी नस्ल को क्यामत तक गुमराह करता रहूँगा, इसे उम्मीदें दिलाता रहूँगा और ये सिखाता रहूँगा कि जानवरों के कान चीरते रहें, ये भी कहता रहूँगा कि वो खुदा की बनाई हुई सूरतों को बदलते रहें। और जिस शख्स ने खुदा को छोड़कर शैतान को दोस्त बना लिया वो सरीहन गुमराही के अंदर या नुकसान के अंदर पड़ गया। कुरान करीम की आयत मुबारक के अंदर अल्लाह की बनाई हुई सूरतों यानी इंसानी जिस्म को बदलने और इसके फ़ौरन बाद सीधा शैतान को दोस्त बनाने का मकसद और इसकी लॉजिक यकीनन हमें आज के दौर से पहले बेहतर तौर पर कभी समझ आ ही नहीं सकती थी, क्योंकि आज के दौर के अंदर इंसानी जेंडर या जिन्स को लेकर जिस तरह से शैतान ने खुद इंसानों के हाथों इसका मजाक बनवा कर रख दिया, इससे पहले इसका तसव्वुर करना भी मुश्किल था। LGBTQ यानी लेस्बियन, गेस, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर और क्यूर्स और पता नहीं क्या क्या, इन सबके बाद भी ये गुमराही का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा बल्कि मुसलसल बढ़ रहा है। अब दुनिया भर में LGBTQ को हकूक देने की तरीकें पुरानी हो चुकी हैं, क्योंकि अब अमेरिका और बरतानिया जैसे सो कॉल्ड तरक्की याफ्ता और सिविलाइज मुल्कों के अंदर ये बहस चल रही है कि हर शख्स को वही शनाख्त और वही जेंडर कानूनी तौर पर दिया जाए जो कि वो खुद को महसूस करता है। मिसाल के तौर पर अगर ये शख्स कहता है कि मैं इन पहले से मौजूद तमाम जेंडर में से खुद को कोई भी महसूस नहीं करता बल्कि मुझे लगता है कि मैं कुत्ता हूँ, मेरे अंदर कुत्ते वाली फीलिंग्स हैं, लिहाजा आज के बाद मुझे कुत्ते के नाम से लिखा और पुकारा जाए, जिस पर कानूनी तौर पर कोई सवाल नहीं कर सकता, जिसके बाद इसे कानूनी तौर पर इस मुल्क के अंदर वो तमाम हकूक हासिल होंगे जो कि यहाँ के कुत्तों को हासिल हैं। लोग इसे पालतू जानवर की तरह कानूनी तौर पर घरों पर रख सकते हैं, इसे राह चलते कहीं भी घुसने घूमने की आज़ादी होगी वगैरह वगैरह। आपको शायद ये सब कुछ सुनकर मजाक लग रहा होगा पर यह इतना कड़वा सच है और इतना खतरनाक मामला है कि इंसानी नस्ल को आने वाले वक्तों के अंदर तबाह करके रख देगा। मैं आपको एक इंटरव्यू दिखाता हूँ जिसके अंदर एक 27 साल की ट्रांसजेंडर औरत का कहना है कि मैं इंसान नहीं बल्कि खुद को एक वुल्फ यानी भेड़िया मानती हूँ, ये मेरी शनाख्त है। हम लोग भेड़ियों की तरह एक दूसरे को हॉल करके आपस के अंदर बात करते हैं, एक दूसरे को वैसे ही जानवर की तरह ट्रीट करते हैं, ये हमारा खुफिया कम्युनिकेशन का तरीका है जिसे मैं किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहती। बिल्कुल इसी तरह से एक और इंटरव्यू के अंदर एक औरत का कहना था कि मुझे समझ नहीं आती कि हमारी जनरेशन आखिर कहाँ पर जा रही है, उसे क्या हो गया है, क्योंकि हमारे पास स्कूल के अंदर ऐसे बच्चे आ रहे हैं जो कि खुद को कोई जानवर कहते हैं, मिसाल के तौर पर बिल्ली, और मेरे सवालों के जवाब देने के बजाय वो बदले में म्याऊं म्याऊं करते हैं बजाय इंसानी जबान के अंदर जवाब देने के, लेकिन चाहकर भी मैं इन्हें कुछ भी नहीं कह सकती क्योंकि ये इनकी क्योर आइडेंटिटी या फिर अपने खुद के जेंडर को चूज करने के कानून के खिलाफ है और मुझे कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। So now we are seeing kids that are identifying as animals going to school and they are purring instead of answering questions and they meow and the teachers are not allowed to question it because it's considered a queer identity. अब अंदाजा लगाएं कि ये गुमराही आखिर अब किस हद तक जाकर खत्म हो सकती है, ये इंसानियत या इंसानी नस्ल से भला कैसी नफरत है जो कि इसे मुसलसल बिगाड़ बिगाड़ कर खुद इंसानों के हाथों इसकी और इसके खालिक की तौहीन करवा रही है जिस खालिक ने इसे बेहतरीन सूरत के अंदर पैदा किया। गैर मुस्लिम खास तौर पर एथियस का सबसे बड़ा एतराज अल्लाह की जात पर यही होता है कि इंसान तो आजाद पैदा हुआ है, इसे अपनी मर्जी की जिंदगी गुजारने का हक होना चाहिए, ना कि किसी और अल्लाह के बनाए गए कानून या शरीयत का वो गुलाम या फिर इसका पाबंद हो। इन कम अकलों के लिए यही जवाब काफी है कि किसी मशीन या पुर्जे को खरीदने लगे तो हमेशा इसके साथ एक मैनुअल आता है कि अगर इस मशीन को इस तरह से ऑपरेट किया गया तो ये ठीक रहेगी वरना खराब होकर आहिस्ता आहिस्ता से बिल्कुल बर्बाद हो जाएगी, क्योंकि इस मैनुअल को लिखने वाला इसका क्रिएटर इस बात को जानता है कि इस मशीन को किस तरह से ऑपरेट करना है और किस तरह से नहीं। बिल्कुल इसी तरह से इंसानी जिस्म के खालिक ने यह मैनुअल इंसानी मशीन के लिए उतारा है कि अगर इस कानून के मुताबिक दुनिया का हर इंसान नहीं चलेगा तो इसकी रूह बिल्कुल तबाह हो जाएगी, इसका दिल बिल्कुल मुर्दा हो जाएगा और वो गुमराही के अंदर मरकर हमेशा के लिए जहन्नुम में चला जाएगा जहां से हमेशा के लिए इसकी कभी भी वापसी मुमकिन नहीं। और अगर दुनिया के अंदर भी इंसान इस मैनुअल या इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं करता तो फिर यही होगा कि हर रोज आपको एक नया जेंडर सुनने और देखने को मिलेगा कि इंसान खुद को जानवर कहकर कुत्ते, बिल्लियों, भेड़ियों और सुअर की आवाजें निकालकर खुद को हकूक देने की डिमांड करेंगे, जैसा कि हाल ही में जर्मनी के लोगों ने एक नए जेंडर का ऐलान किया जिसका नाम रखा गया ट्रांस स्पीशीज।
इन लोगों के चेहरे पर कुत्ते के मास्क थे और ये भौंक भौंक कर ये बता रहे थे कि क्यों इस इंसान के लिए भी एक मैनुअल, एक इंस्ट्रक्शन या हिदायत की जरूरत है जो कि इसे हमेशा के लिए हिदायत का रास्ता दिखा सके। वैसे यहाँ पर आवारा कुत्तों को मारने वाली सर्विस को एक बार जरूर फोन कर लेना चाहिए था। मुसलसल कॉस्मेटिक सर्जरीज और टैटूज के जरिए शैतान पहले इंसानी शक्ल को बदलवा कर ये काम पहले से कर रहा था, मगर अब इसे आखिरी हदों पर कुछ इस तरह से पहुंचा दिया गया है कि इसे बाकायदा जानवर की शनाख्त दे दी है। और इस मकसद के लिए बाकायदा बचपन से ही बच्चों को जहनी तौर पर तैयार किया जा रहा है। जिस उम्र के अंदर बच्चों के जहन कच्चे होते हैं, वो कोई लॉजिकल रीजनिंग या इन हरकतों पर कोई सवाल नहीं कर सकते, और ये सब कुछ इनके माँ बाप और सोसाइटी को बिना बताए चुपके से हो रहा है। मिसाल के तौर पर ये एक अमेरिकन स्कूल की वीडियो है जिसके अंदर जेंडर स्वाइप यानी जेंडर की अदला बदली का दिन मनाया जा रहा है कि लड़के लड़कियों के और लड़कियां लड़कों के बेहूदा और फैश किस्म के लिबास के अंदर कैसे घूम फिर और पोज बना रहे हैं, ये आप खुद ही देख लें। अगर आपको लगता है कि ये सब कुछ बाई चांस हो रहा है, इसका शैतानियत या इसके एजेंडा से कोई ताल्लुक नहीं, तो ज़रा एक बार फिर से सोच लें, क्योंकि गौर करें कि पाकिस्तान समेत दुनिया भर के अंदर अचानक से शैतानियत को आखिर क्यों इतने पैसे लगाकर प्रमोट किया जा रहा है कि हर फिल्म्स, ड्रामा, सोशल मीडिया, न्यूज़, एनजीओस, हर जगह पर बस आपको आजकल यही कुछ देखने को मिलेगा। मिसाल के तौर पर वॉइस ऑफ अमेरिका की वीडियो का ये क्लिप देख लें। क्या जमीन के बढ़ते हुए दर्जा हरारत को कम करने के लिए सूरज पर पर्दा डाला जा सकता है या जमीन को ही किसी बड़ी सी छतरी से ढक दिया जाए? ये लोग ऐसे करेक्टर्स को जानबूझकर दिखाकर लोगों की माइंड प्रोग्रामिंग करके उनको किस चीज के लिए तैयार करना चाहते हैं, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। अगर बात यहीं तक होती तो भी ठीक था, पर इसके साथ साथ बाकायदा मजहब को इसके अंदर शामिल करके खसूसन इस्लाम को मॉक किया जाता है, इनका मजाक बनाया जाता है। मिसाल के तौर पर आप ये पॉइंट ज़हन में रखें और इसके बाद सुने और देखें इस वीडियो को। Muslims are people and people are queer. आज ज़हनब करके भी मतलब आप देखें कि वो दीन का भी कुछ लग रहा है, मजाक उड़ाया जा रहा है। अल्लाहु अकबर अल्लाह, मतलब अस्तगफिरुल्लाह अज़ीम, इतनी यानी ऑडेसिटी कैसे यार आपने आ सकती। इसके बाद फैसला करें कि क्या वाकई शैतानी एजेंडा और मजहब का आपस के अंदर कोई कनेक्शन मौजूद नहीं है। पाकिस्तानी और इंटरनेशनल मीडिया कैसे आपको बेवकूफ़ बनाकर कौम लूत के अमल को नॉर्मलाइज करके इसे प्रमोट कर रहे हैं, जरा इस मिसाल से इसको समझ लें। एक टर्म होती है इंटरसेक्स यानी ख्वाजा सरा, और दूसरी है ट्रांसजेंडर। इंटरसेक्स ऐसे शख्स को कहते हैं जो कि मेल या फीमेल दोनों ऑर्गन के साथ पैदा होता है, किसी एक जेंडर के अंदर फिट नहीं हो सकता, जबकि ट्रांसजेंडर ऐसे शख्स को कहते हैं जो किसी एक जेंडर के साथ पैदा होता है और अपनी फीलिंग्स के मुताबिक इसे बाद में बदलवा सकता है। इस्लाम में इंटरसेक्स लोगों पर कोई इतराज नहीं किया गया, बल्कि इन्हें बराबरी के हकूक दिए गए हैं, जबकि ट्रांसजेंडर टोटली हराम है, क्योंकि ये इंसान की जिस्मानी शेप की बजाय सिर्फ इसकी फीलिंग्स पर डिपेंड करता है, जो कि ज़हनी सोच की पैदावार है, और आपकी ये सोच आपके आसपास के माहौल की वजह से भी हो सकती है या फिर ब्रेन वॉशिंग का नतीजा भी। ये हम जिन्स परस्ती कहलाती है। अब पाकिस्तानी मीडिया गेम ये करता है कि जब भी इंटरसेक्स यानी ख्वाजा सरा के हकूक की बात होती है तो ये लव ट्रांसजेंडर इस्तेमाल करते हैं, जो कि इनकी वीडियो के टाइटल के अंदर मौजूद है, जबकि उर्दू टाइटल के अंदर ख्वाजा सरा लिखते हैं जैसे उनके बारे में बात हो रही हो। ये दो चीज़ों को मिक्स करके अवाम को कंफ्यूज और गुमराह कर रहे हैं और इस कौम लूत के अमल को प्रमोट कर रहे हैं जिस पर अल्लाह ने अपना अजाब नाजिल किया, और लूत अलैहिस्सलाम ने अपनी इस कौम से कहा कि तुमने वो काम किया जो कि तुमसे पहले आज तक किसी ने नहीं किया, क्योंकि तुम अपनी औरतों को छोड़कर मर्दों के पास जाते हो, तुम लोग तो हद से बढ़ जाने वाले हो। और फिर हद से बढ़ने वाली इस कौम को अल्लाह ने क़यामत तक के इंसानों के लिए इबरत का निशान बना दिया, और अगर आज के दौर के अंदर भी हम इसी तरह से इसको सपोर्ट करेंगे या इन्हीं लोगों में शामिल होंगे तो यकीनन अल्लाह का अजाब एक बार फिर से ज़्यादा दूर नहीं है। और वो अजाब सिर्फ ये अमल करने वाली बस्ती पर नहीं, बल्कि ये सब देकर खामोश रहने वाले लोगों पर भी आता है, क्योंकि ऐसे लोगों की हिदायत की जिम्मेदारी अल्लाह ताला ने अहले इल्म को दी है, ये उनकी जिम्मेदारी और इनका फ़र्ज है। अल्लाह ताला हमें समझने की और नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।